हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर टूल में स्वेप्ट बॉस बेस क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें स्केच बनाना होगा जिसमें कि एक पाथ और दूसरा प्रोफाइल, जिसमें हम स्वेप्ट बॉस बेस यूज करेंगे। स्प्लाइन कमांड की मदद से एक फ्री हैंड स्प्लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जिट स्केच कीजिए। स्प्लाइन के एंड पॉइंट पे हमें एक प्रोफाइल बनाना होगा जिसे हम स्वीप कराएंगे। स्प्लाइन के एंड पॉइंट पे प्रोफाइल बनाने के लिए हमें एक प्लेन क्रिएट करना होगा। प्लेन क्रिएट करने के लिए फीचर्स पे क्लिक करें। रेफरेंस ज्योमेट्री के नीचे एक आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करें और प्लेन पे क्लिक करें। फर्स्ट रेफरेंस में स्प्लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट करें और सेकंड रेफरेंस में स्प्लाइन सेलेक्ट करें और ओके करें। तो देखिए आपका प्लेन क्रिएट हो गया। प्लेन पे क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें और नॉर्मल व्यू। प्रोफाइल के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमारा प्रोफाइल बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें स्वेप्ट बॉस बेस यूज करेंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें और स्वेप्ट बॉस बेस पे क्लिक करें। तो अब आपका स्वेप्ट बॉस बेस कमांड एक्टिव हो गया। स्वेप्ट बॉस बेस में दो टूल दिया गया है, स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। पहले हम स्केच प्रोफाइल देखते हैं। स्केच प्रोफाइल में आपको एक प्रोफाइल सेलेक्ट करना होता है और दूसरा एक पाथ सेलेक्ट करना होता है। तो पहले हम प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगल पे क्लिक करें और पाथ के लिए स्प्लाइन पे क्लिक करें और ओके करें। तो देखिए प्रोफाइल पाथ के अलोंग स्वीप हो गया, पर ये सॉलिड बॉडी है। आप चाहें तो इसे होलो भी कर सकते हैं। इसमें एक फीचर दिया गया है, थिन फीचर। इसे डिलीट करें। फीचर्स स्वेप्ट बॉस बेस। प्रोफाइल में रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और पाथ में स्प्लाइन सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे थीन फीचर दिया गया है, इसे एक्टिव करने के लिए इस बॉक्स में क्लिक करें। थीन फीचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। पहले हम वन डायरेक्शन देखते हैं। इसका थिकनेस 5 mm, एंटर। तो ये देखिए थीन आउटसाइड हो रहा है। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये इनसाइड होएगा। उसके बाद मिड प्लेन, इसमें इनसाइड और आउटसाइड सेम डायमेंशन में ठीक होएगा। और तीसरा टू डायरेक्शन, इसमें आप T1 कितना थिक चाहते हैं, जैसे हम 8 mm चाहते हैं, 8, एंटर। और दूसरा 7 mm, एंटर, ओके कीजिए। तो यह देखिए थिन हो गया।
स्वेप्ट बॉस बेस में एक और टूल दिया गया है, सर्कुलर प्रोफाइल, तो इसे डिलीट करें। यह प्रोफाइल भी डिलीट करें और स्केच भी डिलीट करें। फ्यूचर्स, स्वेप्ट बॉस बेस, आप ये सर्कुलर प्रोफाइल, इसमें आपको सिर्फ पाथ सेलेक्ट करना होता है और ये सर्कुलर होता है। आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमीटर इनपुट कर सकते हैं। जैसे हम इसका डायमीटर 20 mm चाहते हैं, एंटर, इसको 25 कीजिए, एंटर। इसमें भी ये सॉलिड पाइप है, आप चाहें तो इसे हॉलो कर सकते हैं, तो इसमें भी थिन फीचर लगा सकते हैं। तो इस बॉक्स में क्लिक करें, थिन फीचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। वन डायरेक्शन पे क्लिक करें और 5 mm, एंटर। तो देखिए ये 5 mm ठीक हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन कीजिए तो देखिए यह इनसाइड ठीक हो रहा है, और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये आउटसाइड ठीक होएगा। उसी तरह मिड प्लेन, इसमें सेम डायमेंशन में इनसाइड और आउटसाइड ठीक होएगा। और तीसरा टू डायरेक्शन, इसमें दोनों साइड ठीक होएगा, आप डायमेंशन इनपुट कीजिए। जैसे हम इसका 4 mm, एंटर, और इसका 3 mm, एंटर, ओके कीजिए। तो ये देखिए होलो पाइप बन के तैयार हो गया। ये था स्वेप्ट बॉस बेस, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।